इसाइड भी आ जाएंगे उसके अंदर। ऐसा थोड़ी होता है इन हाउस हो। दरिन यार, दरिन क्या बहुत अभी लोग यार, दरिन इसको ना यार या बाइट करा दीजिए। हेलो बूम बोले हो भाई, बोले हो अरे उसको बोलो बूम ले आओ, बूम इधर गए हो बाहर ही है। इधर उधर अरे बोल जाके थोड़ा। अरे आई को भी बुला लो, आगे नहीं जा Please get the boom so wide. अरे boom ले आओ यार। विकास पेश अर्चना, हाँ मैं आजम हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है पहले तो। थैंक यू। और दूसरी चीज जानना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद जो है कैसे आना हुआ यहाँ पर? वेल कैसे आना हुआ, एमी इज़ अ डियर फ्रेंड और आज जो मैं खूबसूरत लग रही हूँ वो इनके बदौलत लग रही हूँ। इन्होंने मेरे लिए इतना खूबसूरत सा गोल्ड कटवर्क का कॉर्सेट गाउन बनाया है आउट ऑफ द इको फ्रेंडली मटेरियल दैट शी इज़ बीन यूजिंग फॉर अर 21। फैब्रिक के बारे में ज़्यादा तो एमी आपको बताएंगी, बट आना इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे तो नहीं कि मैं गायब हो गई थी, मैं यही थी और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर जगह पहुँच जाते हैं। सो आई लाइक टू बी एट द राइट प्लेसेस। ऑन स्क्रीन बहुत जल्दी मैं आपको देख पाऊंगी। वेल जस्ट बिकॉज मैंने हिंदी में अभी कुछ नहीं किया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं आई हूँ। मेरी अभी हाल ही में एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर चुकी है और हिंदी फिल्म भी बहुत जल्दी मेरी एक रिलीज होने वाली है और एक बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। सो आई एम टेकिंग माय टाइम एंड डूइंग गुड वर्क। अभी अगर डिज़ाइन की बात करें तो किस तरह की डिज़ाइन है, बिकॉज हम देख रहे हैं टोटली डिफरेंट आपके अब तक के, तो ये कितना मेहनत करना पड़ा आपको इसलिए? एक्चुअली जरीन को ध्यान में रखते हुए हमने कॉर्सेट गाउन स्टाइल किया है। आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट इको फ्रेंडली फाइबर्स एंड इको फ्रेंडली जो फैशन की हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वेयर में लिमिटेड नहीं है। एक गॉर्जियस सेलिब्रिटी लाइक जरीन खान कैन लुक गॉर्जियस इवन इन एन इको फ्रेंडली आउटफिट और आज आप देख रहे हैं पूरा कटवर्क किया है हमने, जो फाइबर्स इसमें यूज़ किए हैं वो सारे इको फ्रेंडली है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली में ना लगे। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट अर 21 बिकॉज ये एक बहुत ही डियर इनिशिएटिव है जो मैं एक डिज़ाइनर के नाते जो भी कर सकती हूँ एनवायरनमेंट बचाने के लिए आई एम डूइंग इट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जरीन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई थिंक शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। जरीन को ही क्यों चुना आपने, मतलब कई सारी अगर लेसेस भी जरीन से खासियत थी? जरीन इज वेरी वेरी बबली, वेरी वेरी चर्पी, शी इज अ यूथ आइकन एंड शी लुक्स गॉर्जियस आई थिंक इन वॉट शी इज़ वेयरिंग शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। सो कीपिंग हर इन माइंड आई चोज दिस आउटफिट एंड टूडे शी इज़ डन लाइक 100% जस्टिस टू वॉट शी इज़ वेयरिंग एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू जरीन वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। जरीन अगर आपके बात करें बहुत सारे कलर से आप जुड़े होते हैं तो क्या रीज़न है आप मेट से जुड़ जाते हो उस रीज़न का? वेल मेरा ये मानना है कि हम यहाँ पर रहते हैं, अर्थ इज़ मेड फॉर अस, और अगर हम ही इसकी ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमारे आने वाली जो जेनरेशन है उनको हमें उनके लिए हमें कुछ अच्छी जगह छोड़ के जाना चाहिए। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सारे कॉजेज से जुड़ के यू नो विल डू अ लॉट ऑफ हुहा अबाउट इट। मैं पीटा से भी जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे मैं सोशल वर्क करती हूँ, बट आई रादर मैं हमेशा उसको साइलेंटली करती हूँ क्योंकि ये मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। आज मैंने ये अर 21 के लिए एमी के लिए ये किया है,
मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतने नोबल कॉज के साथ जुड़ सकी हूँ. और जैसे एमी ने कहा कि यू नो इकोनॉमिकल फाइबर में भी और लोग खूबसूरत लग सकते हैं. ऑनेस्टली जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना था तो मेरे माइंड में बिल्कुल ये पिक्चर नहीं था कि क्लोथ्स यू नो इतने खूबसूरत होंगे. बट जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा तो बहुत सारे आउटफिट्स ऐसे हैं जो आप रेड कार्पेट पे भी पहन सकते हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी टू दैट एमी चोज मी और मुझे उन्होंने इतने बढ़िया कॉज का हिस्सा बनाया. सेम टाइम आप इतने बड़े-बड़े डिजाइनर जी. आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट तो आज देख ही गया कि उन्होंने यू नो इतनी इकोनॉमिकल फैब्रिक का फाइबर का इतना खूबसूरत सा कपड़ा बनाया है. जैसे मैंने कहा कि जब आप ये सब चीज़ें सुनते हैं तो आप सोचोगे कि बहुत ही सिंपल सा आउटफिट होगा, खादी होगा, बोरिंग सा कपड़ा होगा. बट शी हैज़ एक्चुअली डन वंडर्स. आई मीन टुडे व्हाट आई एम वेयरिंग आई रियली फील वेरी ब्यूटीफुल इन इट एंड आई एम श्योर आप सब भी अग्री करेंगे दैट दिस आउटफिट इज रियली गॉर्जियस. नो आई एम वन पर्सन हु इज नॉट एट ऑल ब्रांड कॉन्शियस. आई फील दैट जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो मुझ पर अच्छा लगता है, जो मुझे सूट होता है और जिसमें मैं कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ, दैट इज वॉट आई वेयर एंड दैट इज वॉट आई चूज. आई डोंट केयर अबाउट द ब्रांड. देर इज अ विस्कोस ब्लेंड और हमने एक नया विस्कोस ब्लेंड तैयार किया है विच इज एटलीस्ट 200 टाइम्स बेटर देन प्योर कॉटन. हम जब इको फ्रेंडली की बात करते हैं आई थिंक ले मैन को यही समझ में आता है कि हाँ कॉटन होगा हाँ या खादी होगा. लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनर्स इतने ऊपर आके इतनी एफर्ट नहीं करे हैं कि ओके इफ़ वी डू मेक अ डिफरेंस वी विल मेक अ डिफरेंस बाय कर्बिंग फैशन वेस्ट. आज फैशन वेस्ट एक बहुत बड़ा खतरा है. ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स टू रिलेट टू. शायद आप मीडिया में हो या एक्ट्रेस हो या डिज़ाइनर हो या जो भी हो, हम जितना भी छोटी सी छोटी चीज़ कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए. और ये जो मेरा अर्थ 21 कॉज है, द एंटायर प्रॉफिट्स ऑफ द आउटफिट्स दैट वी सेल ऑन अर्थ 21 आर गोइंग टू प्लांट ट्रीज. और मैंने ये प्लेज लिया है कि हर एक आउटफिट का जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं हम ट्रीज प्लांट करें. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बाय प्लांटिंग ट्रीज इज व्हाट आई बिलीव वी कैन सेव मदर अर्थ. और यही हमारी कोशिश है. थैंक्स. बात मारूंगा किसी दिन गुस्सा आएगा तो पारुल जी एक कलेक्शन के हमें ले लो तो हम लोग का हम लोग निकल जाएंगे फिर. पीछा जाओ व्हाइट लाइट नहीं अरे रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ. अरे आगे मत जाओ. Thank you.
according to me, because it's